हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हम आपको दशमलव संख्या और दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाओं का पार्ट फर्स्ट करवाए हैं और आज हम उसका पार्ट सेकंड करवाने चल रहे हैं। अगर आपको इसका पार्ट फर्स्ट चाहिए तो इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और वहां पे जा करके आप हमारे पहले पार्ट पर विजिट कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि नवोदय विद्यालय के फॉर्म की डेट आ गई है और उसकी लास्ट डेट 31 जनवरी है। तो आप अब जल्द से जल्द अपने फॉर्म्स की ऑनलाइन करवा लीजिए, नहीं तो आपके तैयारी करने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के सेशन में हमने आपको 20 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, आज हम आपको 21 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 0.50 प्लस 0.15 भागे 0.05, ये इतना है, गुणे 2/7। ये आपका क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, हमें सरल करना है। तो देखिए, 0.50 प्लस भाग करना है 0.15 बटे 0.25 गुणे 2/7। तो देखिए, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 2 दशमलव, क्या हो गया आपका, हट गया पंक्ति, यही कितना हो गया आपका 15। तो आपका आ गया 50 प्लस, सॉरी, 0.50 प्लस 3 गुणे 2/7, कितना आ गया आपका 7। इसमें जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3.50 गुणे 2/7 आ गया। तो देखिए, इसका डेसिमल हटाएंगे तो आपका आ जाएगा 350/100 गुणे 2/7, कितना आ गया 7। 7 5 कितना हो गया आपका 35, कितना हो गया 7 5 35। तो 1 0 से 1 0, 5 2 कितना हो गया 10, 2 से 2 कट गया। तो आपको सरल करने पर क्या मिल गया, 1। क्या मिल गया, 1। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16,268 का निकटतम मान होगा, मतलब पूछ रहा है कि 16,268 किसके सबसे करीब है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 16,200, ये तो बहुत ही ज़्यादा दूर है। सेकेंड ऑप्शन है 16,300, ये भी बहुत ज़्यादा दूर हो गया। और थर्ड ऑप्शन है आपका 16,260, ये हो सकता है। और आपका फोर्थ ऑप्शन है 16,270। तो आंसर सबसे करीब किसके पड़ेगा, 60 के पड़ेगा कि 70 के, तो किसके पड़ेगा, 70 के। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1/125 का मान है, हमसे बोल रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कि 1/125 का मान है। देखिए, 125 का भाग हम देते हैं इसमें 1 में, यहाँ पे दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाए, यहाँ भी 0 बढ़ाए, अपर भी भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाए, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाए, कितनी बार ले जाएंगे, 8 बार। कितनी बार ले जाएंगे, 8 बार। देखिए, 8 5 40 आंसर बच गए आपके 4, 8 2 16, 16 4 20 आंसर बच गए आपके 2, उसके बाद 8 1 9, 8 2 10। तो जब इसको सॉल्व किए तो कितना आया आपका, 0.008। इसका मान कितना आ गया आपका, 0.008। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 सही 5/8 का तुल्य दशमलव में क्या है। तो देखिए, 8 1 9 8, 8 5 13, 13/8 हो गया, कितना हो गया ये आपका, 24 नंबर क्वेश्चन, 13/8। अब 13/8 हो गया, इसका भाग दीजिए आप, देखिए 8 1 9 8, कितना बच गया आपका 5। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 6 48 बच गया आपका 2, 8 2 16, 2 अंक तक ले जाते हैं। तो आपको कितना आ जाएगा, जब हम इसको 24/13/8 को दशमलव में चेंज करेंगे तो 1.62 आगे भी आएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में दशमलव के 2 अंक तक ही दिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 आ गया है, 0 बढ़ाएंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा 40, पूरा पूरा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1.625। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 93.40 को 0.015 से भाग देने पर लगभग उत्तर क्या होगा। देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 93.40 भागे 0.015। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.015। तो देखिए, इनका डेसिमल हटाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1000/15 गुणे 100।
देखिए ये कट गया, इसको 15 से काटते हैं। देखिए 15 छक्के कितना हो गया आपका, 90, कितना बच गया, 2। उसके बाद काटेंगे 15 दूनी 30, 15 से कटेगा लगभग, शायद नहीं कटेगा। देखिए इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 93,400/15। अब 15 का भाग देते हैं, देखिए कितनी बार जाता है, 93,400। देखिए 15 छक्का कितना हो गया आपका, 90, 3 शेष बचा, 15 दूनी 30, बच गया आपका 4, फिर 0 उतारेंगे, 15 दूनी 30, 15 दूनी कितना होगा, 30 ही होगा आपका, कितना बच गया, 10, फिर 0 उतारेंगे, 15 छक्का कितना हो गया आपका, 90, कितना बचा आपका, 1, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, 15 छक्का कितना हो गया आपका, 90, कितना बच गया आपका, 1। फिर वही कंडीशन ऐसे आगे चलता चला जाएगा, यानी जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है हमें, 62,26.6 ऐसे कुछ मिलेगा। तो देखिए ये किसके करीब है, लगभग 6,000 के, किसके करीब है, 6,000 के। बाकी ये तो 0.6 है, ये 60 है, ये 600 है, और जो 62 हमारा 26 आया है वो सिर्फ किसके करीब है, 6,000 के करीब है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब 18.24 को 20.2 से गुणा किया जाता है तो परिणाम को दशमलव के बिना पूर्ण संख्या में बदलने पर क्या मिलता है। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 18.24 × 20.2, इसको क्या कह रहा है, कह रहा है कि गुणा करने पर जो परिणाम मिलता है उसे दशमलव में नहीं चेंज करना है। तो देखिए इसका पहले हम दशमलव हटा लेते हैं, 202/10। अब इसको 2 से काटते हैं, देखिए 2 5 10, 2 9 18, 2 91 2, 2 2 4। अब ये किसी से, अब किससे कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 912/202/500। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 368। अब देखिए ये किसके करीब है, लगभग ऑप्शंस में देखते हैं, 365, 368, 364, 362। तो 368 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन 9 के बराबर है। ये जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं आप इनको जब सॉल्व करेंगे तो 1 9 के बराबर आएगा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कौन सा 9 के बराबर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में 1.09 × 5.908 का निकटतम मान क्या होगा। हमारा बोल रहा है कि अगर हम 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बोल रहा है कि अगर 1.09 का गुणा किसमें करते हैं आप, 5.98 में करते हैं, तो आपको गुणा करने पर क्या मिलेगा। तो गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 6.43972, कितना मिलेगा, 6.43729। तो देखिए ये किसके लगभग करीब है, 5 के 6 के 10 के 12 के, तो किसके करीब है, 6 के। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2.05 + 1.01 × 2.99 के निकटतम मान क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2.05 + 1.01 × 2.99 पूछ रहा है कि इसका निकटतम मान क्या होगा। जब आप 101 का गुणा 0.229 में करेंगे तो आपका, आपको मिलेगा 3.0199, क्या मिल जाएगा, 3.0199। अब इनको जोड़ लीजिए आप, तो आपको जोड़ने पे मिलेगा 5.0599, क्या मिल जाएगा, 5.0699। तो देखिए ऑप्शंस में देखते हैं ये किसके करीब है, तो आपको ऑप्शन है 4 5 6 7, तो 5 खुद ही है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 5 सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3/10 + 5/100 + 8/1000 की योगफल का मान दशमलव में क्या होगा। आपका 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3/10 + 5/100 + 8/1000 का दशमलव में जोड़ करने पर क्या आएगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0.3, इसको लिख सकते हैं 0.05, और इसको लिख सकते हैं 0.008, क्या लिख सकते हैं, 0.008। तो इनको आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए,
जीरो जीरो पांच दशमलव जीरो जीरो तीन। तो देखिए इनको क्या करना है, आपको जोड़ना है 8 5 13, 13 8 5 13, 13 3 16, 0.0 कितना आ गया आपका जोड़ने पर, 0.06। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 1 मिनट। सॉरी, देखिए ये ऐसे नहीं जोड़ा जाएगा, इसको मैंने गलत लिख दिया था। ये आपका जोड़ा जाएगा ऐसे, 0.03, फिर 0.05, फिर 0.008। देखिए इसको जोड़ेंगे 8, फिर आपका आ जाएगा 5, फिर ये 3.0। तो आपका क्या आ गया जोड़ने पर, 3.58। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 3.58, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 3 सैकड़ा + 9 दहाई + 5 हजारवा का योगफल होगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है 3 सैकड़ा यानी 300, 9 दहाई यानी 90, 5 हजारवा यानी 5 का 1000वां भाग। तो देखिए 300 में 90 जोड़ेंगे कितना हो गया आपका, 390। इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, दशमलव चेंज करेंगे तो आपका आएगा 0.005। तो जोड़ लीजिए आपका आ जाएगा, 390.005। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्त बच्चों, फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 39 80 4.076 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है हमसे। देखिए आपका क्वेश्चन है 39 80 4.076 8 का पूछ रहा है। 8 के नीचे लाइन बनाएंगे, गुणे 100 इज इक्वल कितना आ गया आपका, 8 का स्थानीय मान 800 कितना आ गया, 800। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज हमने जो आपके दशमलव और दशमलव संख्याओं पर आधारित आधारभूत संक्रियाएं थी उसका सेकंड पार्ट करवा दिया है। इसका हम फोर्थ पार्ट आपको कल कर सॉरी थर्ड पार्ट इसका हम कल करवाएंगे। और हमारे ही चैनल पर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिल रही है जो कि आपके नवोदय के पेपर में आएंगे। तो आप उस क्वेश्चन की सीरीज को भी देखिए और हमारे डेली अपलोड होने वाले चैप्टर्स के वीडियो को भी ज़रूर देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में लोगों को पता चल सके और वो भी अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय की तैयारी करवा सकें। थैंक यू।